हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी, आपका ये जो 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज चल रहा है उसका ये 7वां पार्ट है, इसमें आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप अभी तक के 6 पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। एज वेल अगर चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ 100 इंटरव्यू क्वेश्चन का मैंने अलग से ही पूरा फोल्डर प्रिपेयर किया हुआ है, तो वहाँ पर जाके भी आप इसको चेकआउट करके वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 7वें पार्ट में क्वेश्चन को लेता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द हार्मोन्स, हार्मोन्स फ्रेंड क्या होते हैं। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर ना हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, और ये कहां सिक्रीट होते हैं, ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं। कहां सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, जैसे अपना हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड है जहां से ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं और ये बॉडी के किसी फंक्शन को अंजाम देते हैं। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं और अपना जिनका जो सब जितने भी हार्मोन होते हैं सबका अलग अलग एक्शन होता है, तो वो उस एक्शन को ब्लड के थ्रू कैरी करके, जैसे पिट्यूटरी है तो हाइपोथैलेमस पे कोई एक्शन के लिए भेजता है, तो ब्लड के थ्रू वहां आएगा और वहां पे अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। बेसिकली बोल सकते हैं दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंजाइम फ्रेंड, एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, बहुत ही कॉमन है, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, जो लोग साइंस स्ट्रीम से तो 100% पढ़ा होगा एंजाइम्स क्या होते हैं। देखिए, आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, सभी लोगों ने हाई स्कूल तक तो केमिस्ट्री पढ़ी होगी। केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का क्या काम होता है, कोई भी रिएक्शन हो रही होगी ना, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कैटलिस्ट क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे बोलते हैं ना, दो लोग के बीच में झगड़ा हो रहा था, एक लोग क्या होता है, बात करके उसको बढ़ाने वाला, चढ़ाने का काम करता है। तो सेम हमारे बॉडी के अंदर ये एंजाइम करते हैं। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, जैसे अपने मैंगनीज वगैरह हो गए जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उनकी क्रिया को तेज कर देते हैं, ठीक है, रिएक्शन प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, वैसे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती है उस एक्टिविटी को क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज द विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं और हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, और विटामिन्स में बहुत सारे, क्या मैं बोलता हूँ, क्लासिफिकेशन को अगर देखा जाए तो दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो बी ग्रुप वाले होते हैं, B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, बी का जितना पूरा सीरीज है, बी कॉम्प्लेक्स वाले जितना है, ये सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल में कौन से आते हैं, विटामिन ए है, डी है, सी है, के है, ये सब जो है अपना जो ये वाला ग्रुप हो जाता है विटामिन्स का, वो सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। कितने विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स तो काफी होते हैं, लेकिन 13 एसेंशियल विटामिन्स माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में फिर बन जाता है कि व्हाट इज द विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली कुछ इंटरव्यूअर पूछ सकता है या फिर पर्टिकुलर एक एक लेके पूछ सकता है कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो ऐसे फ्रेंड बहुत सारी बीमारियां जिसका मैंने यहां पर लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, यहां पहुंच करके आप सारा नोट कर लीजिए, क्योंकि सिंपल है, आपने बहुत पढ़ा होगा इसलिए मैंने पर बता नहीं रहा हूं, और इजी हो जाएगा सारा नोट करना, हो सकता है मेरे बताने में कोई स्लिप भी कर जाए, ठीक है। तो बीमारी का कोई समझ में नहीं आया कि बेरी बेरी क्या होता है, इसका भी क्या होता है, आप कमेंट करके पूछोगे, मैं उसको बता दूंगा कि वो क्या चीज होती है। एक्चुअली वो जल्दी रेयरली पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको डिटेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो उसके बाद काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारे दिए हुए हैं यहां पे, यहां से आप नोट कर लीजिए सारे विटामिन ए की डिफिशियंसीज क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, सारा मैंने यहां पे दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ये काफ़ी कॉमन है, और आज का देखा जाए तो अगर आप कार्डियक सेगमेंट में जा रहे हैं या डायबिटिक सेगमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ मतलब पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप से होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। पहले मैं आपको बता दूँ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है फ्रेंड। ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये हमारे बॉडी की नीड होती है, और ये एक तो डाइजेशन में हेल्प करती है, विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करती है, हार्मोन्स वगैरह जो बनते हैं उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल को अगर मैं फिर क्लासीफाई करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कर सकते हैं कि क्लासीफिकेशन आप कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हो, या पूछता है आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है, ठीक है। मेनली चार टाइप के देखिए कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एचडीएल जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके बाद आता है वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अलावा कई बार आपसे ट्राइग्लिसराइड के बारे में पूछ सकता है कि टीजी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू इट में भी पूछे, थोड़ा कम पूछता है, बट ये आपको एचडीएल वीएलडीएल एंड एलडीएल ये तीन चीज पूछ सकता है। अब इस ये क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन।
ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये जो पूरे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको सारा इकट्ठा करके ले आता है लीवर में और उसको मेटाबोलाइज करता है, मतलब पूरे बॉडी से इकट्ठा करने काम करता है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा काम करने अच्छा वर्क करता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है बॉडी के अंदर वो 40 से 60 के बीच में इसकी होनी चाहिए। ये अगर किसी का एक्स्ट्रा होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, मीन्स किसी का 50 है या 50 या 50 से ऊपर वैल्यू आती है कोलेस्ट्रॉल की, एचडीएल की, तो ये एक रिस्क फैक्टर को माइनस कर देता है। अब ये रिस्क फैक्टर क्या होता है फ्रेंड, देखिए अगर किसी को कार्डियक की बीमारी होनी है या डायबिटीज़ की बीमारी होने की चांसेस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ रिस्क फैक्टर काउंट किया जाता है। अगर किसी को दो से अधिक रिस्क फैक्टर है तो उसको 100% श्योर हो जाता है कि इसको कार्डियक की बीमारी होनी होनी है या इसको डायबिटीज़ होना होना है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है प्लस उसका वेस्ट साइज अगर बढ़ गया है, ठीक है, वेस्ट सरकम जो ये है अपना साइज अगर वो बढ़ गया, मतलब ओबेसिटी बढ़ गया है, 100% है उसको डायबिटीज होना होना है, 100% उसको कार्डियक की बीमारी होनी होनी है। तो ऐसे दो रिस्क फैक्टर अगर क्रॉस करते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे अल्कोहल कंजप्शन हो, चाहे वो स्मोकिंग की बात करे, या वो एक्सरसाइज ना करता हो, मीन मॉर्निंग वॉक ना करता हो, जिम वगैरह ना जाता हो, एक्सरसाइज ना करता हो, या किसी को पहले कार्डियक हिस्ट्री रही हो, उसके फादर में कभी हार्ट अटैक वगैरह हुआ हो, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज में किसी का हेरिडिटी रही हो, उसका सर्कमटांसेस, ये सारे वेस्ट साइज बढ़ गया हो, तो ये सारे रिस्क फैक्टर ऐसे ही और भी रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम काउंट करते हैं। अगर दो से ज़्यादा ये होते हैं तो उसको 100% श्योरिटी होती है उसको कोई बीमारी होगी। लेकिन अगर वो दो से ज़्यादा हो रहा है और एचडीएल का अमाउंट उसने बढ़ा रखा है तो ऑटोमेटिकली वो एक रिस्क फैक्टर को नलीफाई कर देता है। ठीक है, ये एडवांटेज नहीं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एलडीएल की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये देखिए लो डेंसिटी बोला जाता है, लो डेंसिटी होने की वजह से क्या करते हैं, ये आर्टरी के अंदर सेटल हो जाते हैं, जम जाते हैं वहीं पे, जम जाने के बाद थक्का बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मींस ये ब्लड के सर्कुलेशन को फिर ब्लॉक करते हैं, और जब ब्लॉकेज होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है वो नेक्स्ट वाला, वेरी लो डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी और भी ज़्यादा कम है तो उसके स्टिक करने के कैपिलरीज के ऊपर, खासतौर पर ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वहाँ पर ज़्यादा ये करते हैं। अब कोरोनरी आर्टरीज भी कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, तो फ्रेंड कोरोनरी आर्टरी हमारे वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। देखो आर्टरीज प्योर ब्लड पूरे बॉडी के अंदर हमारी सप्लाई करती हैं, ये सभी को पता है, ठीक है, जो प्योर ब्लड होता है, बट हमारे हार्ट को भी रन करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तभी तो हमारा हार्ट वर्क करेगा। तो जो आर्टरी जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उस पर्टिकुलर आर्टरी को हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये जो VLDL वगैरह, क्योंकि उसका साइज बहुत ही मिनिमम होता है, तो वहाँ जाके ये सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे वो थक्का बनाते हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ जमते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है तभी आते हैं हार्ट अटैक। क्या चीज़ हो सकता है इंटरव्यू आपसे ये पूछे, मैं इसको खैर नेक्स्ट पार्ट में डालने वाला था, थोड़ा सा बताते हैं। तो हार्ट अटैक क्या होता है, मीन्स हमारे हार्ट के पर्टिकुलर किसी रीजन के अंदर हार्ट फेल्योर हो जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई रिक्वायरमेंट है और हार्ट को फंक्शन करने के लिए वो सप्लाई उसको नहीं मिल पाता है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, जिसको हम जनरल भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ पूरा समझ में आ गया हो, जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, मैं उसको और डिटेल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं इतना बताता हूँ जितना आप मतलब कम चीज़ें समझे रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताऊंगा आप डिटेल में जाओगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ी थोड़ी बताओगे इंटरव्यू में, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता आपको, इतना इंटरव्यू ये चाहता है कि आपको वो चीज़ पता है या नहीं है, डीप में नहीं, डीप में तो वो आपको सिखा देगा, ट्रेनिंग में सिखा देंगे, लेकिन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको चीज़ें हिंदी में बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है, और बाकी आपको डिफिनीशन वगैरह जाना हो तो मैं यहाँ डिटेल दे देता हूँ, और इतना ही देता हूँ जिससे आप जिसको आप प्रिपेयर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच कितना होता है, बहुत ही कॉमन सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 4.5 के बीच में, जनरली इसको हम 7.4 बोल देते हैं, इसे स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हैं। 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे वाला पीएच एसिडिक होता है, 7 के ऊपर पीएच जो होता है वो होता है अल्कलाइन। इसमें कभी कभी इंटरव्यू आपको फंसाने के लिए या घुमाने के लिए पूछ सकता है कि ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 6 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका पीएच 6 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, या जिसका पीएच 1 है या 1 से कम है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फ्रेंड यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स जैसे जैसे हम 7 नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिटी कम होती जाती है, मतलब 1 नंबर पीएच वाला जो व्यक्ति होगा या जो भी चीज़ होगी उसकी एसिडिटी कहीं ज़्यादा होगी। 6 नंबर तक आते आते क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज होता न्यूट्रलाइज होते चले जाते हैं, 7 नंबर पे न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल, मतलब जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे
कम होता जाता है, ठीक है। वैसे अल्कलाइन की बात करें तो जो 8 नंबर होगा, जो 9 नंबर होगा वो कम अल्कलाइन होगा, लेकिन जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे मीन्स 14 नंबर पे, क्योंकि पीएच जो स्केल होता है वो 1 से लेके 14 तक होता है, 1 से लेके 7 तक एसिडिक, मीन्स 7 से बिलो, 7 नहीं कह सकते, 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो एसिडिक और 7 से ऊपर जो होता है वो अल्कलाइन होता है, या बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है इसको। तो ये क्वेश्चन आपसे पीएच से रिलेटेड इट मे भी पूछ सकता है, पीएच क्या होता है, ये पीएच हमारे बॉडी के अंदर चाहे स्टमक का पीएच पूछ सकता है कितना होता है, ठीक है, या बॉडी के अलग अलग पार्ट का पीएच पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए स्टमक का पीएच, मैं बता देता हूं, जो एम्प्टी स्टमक होता है उसका 3 के आसपास पीएच होता है, फूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, 3 से नीचे बहुत कम, जैसे बिल्कुल स्टमक होगा, आप एक दिन पूरा व्रत रह गए कुछ नहीं खाया, पीएच हो सकता है उससे पीएच डाउन चला जाए, खाना खाने के बाद जो स्टमक का पीएच होता है वो 7 के अराउंड पहुंच जाता है, 6.5-7 के आसपास, मतलब न्यूट्रल हो जाता है खाना खाने के बाद, ठीक है। जैसे पीएच डाउन होने लगता है वैसे हमें भूख लगने लगती है, चलिए इसमें जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द डायबिटीज, डायबिटीज क्या, तो जो लोग डायबिटीज में जा रहे हैं, कार्डिक सेगमेंट में जा रहे हैं, कार्डिक डायबिटीज डिवीजन मिल रहा है, तो वहां से आप सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग आप एज ए फ्रेशर कैंडिडेट पूछा जाता है, व्हाट इज द डायबिटीज, डायबिटीज क्या होता है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सभी को मालूम होगा जब ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ जाता है फ्रेंड, ये हो सकता है इट में भी आपसे पूछे, तो ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी के अंदर इसलिए बढ़ जाता है कि हमारे बॉडी में जो है जो पैंक्रियास से इंसुलिन सिक्रीशन होता है उसका सिक्रीशन किसी कारण वह सुप्रेस हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है या बंद हो जाता है, दो रीजन हो सकते हैं कि या फिर उसका किसी कारण बस इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, या बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से उसका सिक्रीशन घट गया हो, तब हमें टैबलेट लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर उसका सिक्रीशन बिल्कुल बंद हो गया है, इंसुलिन सिक्रीट हो ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। अब डायबिटीज देखिए दो टाइप का होता है, डायबिटीज वन टाइप वन और डायबिटीज टाइप टू। टाइप वन कौन सा होता है, टाइप वन डायबिटीज के वो होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चे में आता है, मतलब पेरेंट्स को डायबिटीज थे, ज़्यादातर हेरिडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, पेरेंट्स में डायबिटीज थी और उसके बच्चे को भी डायबिटीज हो गया, तो उसको बोलते हैं टाइप वन डायबिटीज। अब ये जो टाइप वन डायबिटीज होती है इसको फिर हम ठीक नहीं कर सकते, इसको ठीक करना मतलब बहुत मुश्किल है, उसको पूरे टाइम जीवन में इंसुलिन ही इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, या जो टैबलेट होती हैं अपना ये ग्लिमेप्राइड वगैरह और भी जो मेडिसिन होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया उगली बॉस वगैरह, खैर इसमें जाएंगे बहुत डिटेल हो जाएगा। एक तो टाइप वन डायबिटीज हो गया जो पिता से मीन पेरेंट्स से बच्चों में आता है, टाइप टू डायबिटीज होता है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं रिस्क फैक्टर, ठीक है, वो डायबिटीज के भी रीजन होता है। अगर रिस्क फैक्टर आपके यहाँ इंक्रीज करेंगे, चाहे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, इस टाइप जो बहुत सारे रिस्क फैक्टर है वो इंक्रीज करेंगे तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए अपने इंडिया के अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन सी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज एक्सरसाइज वो होते हैं जिसमें हम बात नहीं कर पाते, आप बोलें कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ और एक्सरसाइज हो रहा है, तो एक्सरसाइज नहीं होता, उससे कोई फर्क बॉडी के ऊपर खास नहीं पड़ता। एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हम बोल ना पाए, ठीक है, तो ये हो गया डायबिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, वो है फंक्शन ऑफ लीवर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लीवर के फंक्शन क्या होते हैं। देखिए लीवर का जो मेन फंक्शन वो होता है मेटाबॉलिज्म, किसका मेटाबॉलिज्म करता है, ये फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन होते हैं फैट होते हैं इनका स्टोरेज भी करता है, यहाँ बाइल प्रोडक्शन का काम करता है, बॉडी के अंदर जो हमारे एल्बुमिन होते हैं उनका प्रोडक्शन करता है, तो ये 5-7 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको देख के आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये है लीवर के फंक्शन, ये हो सकता है इट में भी आपसे पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं ले लेता हूँ, व्हाट इज द पीएच ऑफ स्टमक, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट में लिखा हुआ था, वैसे लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द पीएच ऑफ स्टमक, तो पीएच मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए ये था सातवां पार्ट और 10 क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए हैं, ठीक है, 61 से लेकर 70 तक का हो गया है, 7 पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, 10 क्वेश्चन हो गए, 8th पार्ट बहुत ही जल्दी मैं रिलीज करूंगा, विद इन वीक फ्रेंड ये 100 क्वेश्चन वीडियो कंप्लीट मैं कर दूंगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कितना इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लगा, कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और किस टाइप के आप क्वेश्चन चाहते हैं, ये मेरा अपना आइडिया है, आपको किस टाइप से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है, जो इस 100 क्वेश्चन जो अभी तक मैंने 70 क्वेश्चन बता दिए हैं उसमें ना मिल रहा हो कि सर ये भी मुझसे पूछा गया था आपने नहीं बताया है, तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछिए फ्रेंड, तो उसको भी मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगा, उसको भी रिप्लाई मैं करूंगा। इससे क्या होगा कि आप डिफरेंट, आप लोग जितने लोगों ने इंटरव्यू फेस किया हुआ है, जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर इस तरह आप मुझे क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे तो ये जो क्वेश्चन बैंक है मेरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा हम इफेक्टिव बना सकते हैं।
सकते हैं इसको। जितने लोगों ने इंटरव्यू फेस किया है और जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, इसमें अगर नहीं होता तो उसको जरूर ड्रॉप करिए, उसको कमेंट में मुझे करके बताइए, जिससे क्या होगा मैं इस क्वेश्चन बैंक को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकूँ, इसका साइज बढ़ा सकूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका हेल्प मिल सके, सभी लोग उसका एडवांटेज ले सके और इंटरव्यू को क्रैक कर सके। ठीक है फ्रेंड, चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।